ठीक है, तो आज हम सीएसएस की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं और एक्सटर्नल मेथड के जरिए सीएसएस को अपने वेब पेज के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और कोड कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले फाइल में जाके हमने यहाँ से एक न्यू फाइल लेनी है। पहले मैं फोल्डर डिफाइन कर चुका हूँ अपना, तो न्यू टेक्स्ट फाइल लेके इसमें हम एचटीएमएल का कोड करेंगे। पहले इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, और अच्छा ये डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ फोल्डर, तो फाइल में जाके पहले हम ओपन फोल्डर कर लेते हैं। और यहाँ से जाके सी एस एस के फोल्डर के अंदर हमने फोल्डर बनाया हुआ विंटर के नाम का, उसके अंदर चले जाते हैं, सिलेक्ट फोल्डर कर देते हैं। इससे थोड़ा हमारी फाइल्स ऑर्गेनाइज हो जाएगी। कंट्रोल एन करके न्यू फाइल लेते हैं, सेव करते हैं और उसका नाम रखते हैं वेब डॉट एच टी एम एल। ये वही एच टी एम एल की फाइल बनाई जो हम पहले बनाते रहे, शिफ्ट के साथ लेके एच टी एम एल का बेसिक कोड अभी रन कर लेते हैं। आ जाओ, लोड हो रहा होता है ये नीचे, इंटरनेट स्लो होता है इस वजह से भी शायद प्रॉब्लम करता है कभी। अब आ गया, तो यहाँ पे हमने लिख लिया फर्स्ट सी एस एस क्लास कनेक्टिंग कनेक्टिंग विद एक्सटर्नल मैटर। ठीक है, तो इसको हम खोल लेंगे वेब ब्राउजर के ऊपर, क्योंकि ये एचटीएमएल है, एचटीएमएल की फाइल खुलती ही किसके ऊपर है, वेब ब्राउजर पे। ये खुल गया वेब ब्राउजर के ऊपर, आ जाओ, सही, कुछ भी नहीं है, खाली है। अब हम बनाएंगे सीएसएस की फाइल, कंट्रोल एन करेंगे, न्यू फाइल लेंगे, सेव करेंगे। उस फाइल का नाम हम कुछ भी रख लें, जैसे हमने उसका नाम रख लिया स्टाइल डॉट, टाइप रखेंगे उसकी सीएसएस और उसको सेव कर देंगे। याद रखना सीएसएस की फाइल की टाइप डॉट सीएसएस रखनी है, एचटीएमएल की फाइल की साइज डॉट टाइप एचटीएमएल डॉट सीएसएस, नाम कुछ भी रख लो, ठीक है। और वेब में जाके अब इस फाइल को इधर कनेक्ट करेंगे कैसे, टाइटल के नीचे या ऊपर लिंक का टैग लगाएंगे और एच आर ई एफ में इसका नाम टाइप करेंगे, ये लिखा आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही फोल्डर में, ये कनेक्ट हो गई, ये वाली फाइल इसके साथ कनेक्ट हो गई। फोल्डर में भी देख ले जाके दोनों फाइल्स आपको नजर आएंगी, स्टाइल सी एस एस और वेब डॉट एच टी एम एल। लेकिन इसको आपने वेब ब्राउजर पे नहीं खोलना है, ये सिर्फ वी एस कोड में खुलेगी कोड करने के लिए, ठीक है। कनेक्ट है तो कोड यहाँ लिखेंगे, इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा। अब ये समझ ले सी एस एस का कोड स्टाइल डिजाइन के लिए यूज होता है, लेकिन वो किस पर दे, लाजमी पहले कुछ बनेगा तो देंगे ना। तो याद रखें सी एस एस का कोड अप्लाई होगा एच टी एम एल के एलिमेंट के ऊपर, यानी कि बॉडी पर, बी पर, यू पर, आई पर, एच वन पर, आई एम जी पर, जिस पे चाहे लगाए उस पर। तो हम एक पहले बनाते हैं यहाँ पे डिव, और इस डिव को नॉर्मल डिव है और ये लिख रहे हैं सी एस एस फर्स्ट क्लास। ये वैसे वेब पेज पे कैसा नजर आएगा, ये सही नजर आएगा। अब इसको हम जब स्टाइल डिजाइन देंगे तो बड़ा खूबसूरत नजर आएगा। कैसे देंगे, देखिए सीएसएस पे आएंगे, जब भी किसी एचटीएमएल के एलिमेंट को सीएसएस में डायरेक्टली डिफाइन करेंगे तो उसको हम कहते हैं सिलेक्टर, क्या कहते हैं, तो इस टाइम हमारा सिलेक्टर है div, उसको डायरेक्ट लिखेंगे विदाउट ब्रैकेट्स विदाउट लेस देन। फिर उस सिलेक्टर की बनाएंगे बॉडी जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की जाएंगी, प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी खसूसियात। प्रॉपर्टीज जो है वो सीएसएस की खुद की है, अगर आप जैसे कुछ लिखेंगे प्रॉपर्टी तो उस पर आ जाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं लिखता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, तो देखिए लिखी भी आ गई बैकग्राउंड डैश कलर, वैसे ही आपने ले लेना है। और कॉलन के बाद ये आपसे कलर पूछ रहा है, कोई भी कलर हमने यहाँ पे लगा दिया और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। यहाँ रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए, अच्छा अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी है देखे, ये है सेपरेटर, सेपरेटर के लेफ्ट साइड पे है प्रॉपर्टी, ये कमांड है, जैसा लिखा है वैसे लिखना है। इसके राइट साइड पे है इसकी वैल्यू, कलर का नाम, नाम से भी लिख सकते हैं, कुछ कोड्स भी यूज कर सकते हैं। और ये है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, लाजमी लगाना है वरना कोड रन नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, आप चाहते हैं कि इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा दें, तो किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट की हाइट बढ़ाने के लिए हाइट का एलिमेंट यूज करेंगे और पिक्सल्स में 300 पिक्सल कर दें, पीएक्स हाइट बढ़ जाएगी, सही, हाइट बात हुई है एलिमेंट की, अब आ रहे हैं। उसके बाद आपने यहां पर से इसको सेंटर करना है लेफ्ट राइट से, तो यहां लिखेंगे टेक्स्ट डैश अलाइन, ये प्रॉपर्टी है, कमांड है, इसकी वैल्यू लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई जो भी चाहे, मैं इसकी सेंटर पास कर रहा हूं, तो ये देखें सेंटर में आ जाएगा। अब फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए कमांड है कलर, किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए कमांड थी बैकग्राउंड डैश कलर, और फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए कमांड है कलर, यहाँ पे मैंने एक कलर बता दिया और ये देखिए कलर वैसा हो गया, ठीक है। अच्छा अगर बाद में कलर चेंज करना चाहें तो थोड़ी देर एरो रखेंगे, ये कलर का बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ से जो चाहे कलर आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे या रिफ्रेश करेंगे, इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ओके, फॉन्ट
फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट डैश साइज की प्रॉपर्टी आ गई, तो इसमें लार्ज मीडियम भी रख सकते हैं और नंबर्स पे भी बयान कर सकते हैं। सपोज 36 पिक्सल 56 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट चेंज करने के लिए कमांड है फॉन्ट डैश फैमिली, यहां से आप जाके इसकी फैमिली को चेंज कर सकते हैं और जो फॉन्ट चाहिए वहां से सेलेक्ट कर लें। सेट व्हेन टर्मिनेटर लगाना ना भूलें, ठीक है। फॉन्ट को मोटा करने के लिए फॉन्ट डैश वेट की कमांड है, इसको यूज करें कितना करना है तो हम इसमें लिख देते हैं बोल्डर, बोल्डर इसकी वैल्यू है। और ये थोड़ा सा फॉन्ट डैश स्टाइल इसकी प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं और इसमें हम इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। सही, समझ में आ रहा है। इस तरह लेटर्स में अगर स्पेस देना है तो लेटर डैश स्पेसिंग की प्रॉपर्टी है, जिससे आप लेटर में 5 पिक्सल 10 पिक्सल जितना चाहे लेटर्स में स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह फॉन्ट डैश वेरिएंट की एक प्रॉपर्टी है, जिससे आप इसके अंदर जो भी टाइप किया उसको स्मॉल कैप्स में या अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है। तो ये एक सिंपल सा जो डिव था CSS के बाद कितना अट्रैक्टिव और खूबसूरत बन गया आपके लिए, समझ में आया। वो HTML में जाएगी, कंटेंट HTML में करेंगे आप। यहाँ पर इसके अंदर एक लाइन ब्रेक देके कुछ और लिख रहे हैं, सपोज टू बी ठीक है, बस फाइल उठाई फोल्डर इकट्ठा।